नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से। सिटमरा जिला पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी ने आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी विवेक द्विवेदी ने जमकर उड़ाई धज्जियां। नामांकन कराने के दौरान जमकर उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। सार रोड शो निकालते हुए नामांकन कराने पहुंचे प्रत्याशी। कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर उड़ी धज्जियां। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प। एडीएम प्रशासन ने मामले में कार्यवाही के दिए निर्देश। जिला मुख्यालय माती का है पूरा मामला। देखिए, कार्रवाई हो रही है, सभी के लिए सीओ और एसडीओ मकबरपुर को भेजा गया है मौके पर। वो जाकर सबका चेक करके कोविड प्रोटोकॉल को इन्फोर्स करा रहे हैं। सर, ये बताइए कितनी गाड़ियों की परमिशन हुई थी मैक्सिमम जो है हर प्रत्याशी के लिए, और जिन्होंने नियम तोड़े उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? रिटर्निंग ऑफिसर आपको बता पाएंगे कितनी गाड़ियों की परमिशन दी है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर को परमिशन देनी होती है। जो बिना परमिशन के आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या गाजेबाजी के साथ नामांकन की प्रक्रिया करना है, कोई परमिशन इस तरह की जारी हुई है? अभी इस तरह की कोई परमिशन रिटर्निंग ऑफिसर आपको बता पाएंगे। वैसे परमिशन नहीं दी गई जहाँ तक मेरा अंदाजा है, और जिन्होंने भी इसका वायलेशन किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, जिस प्रमाइसिस में आप बैठे हैं उसके बगल के रूम में नामांकन पर्चा भरा जा रहा है, वहाँ नियमों का किस तरह तोड़ा जा रहा है बगल के रूम में, तो कार्रवाई कब तक, क्या कोई कौन सा काल देखा गया? ये तो तत्कालिक चालान होते हैं। बिल्कुल तत्कालिक होगा, बिल्कुल तत्कालिक होगा। सर, आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज होगा इनके खिलाफ, जो डीजे बाजे के साथ 101 गाड़ी लेके घूम रहे हैं? यदि पाया गया तो आचार संहिता का उल्लंघन है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। सर, धारा 144 लगी है। वीडियो आए हैं जिनमें पुलिस के साथ अभद्रता हुई, क्या कठोर कार्रवाई के ऊपर होगी? बिल्कुल होगी भाई, वीडियो आप हमें प्रस्तुत करें, उन पर देखेंगे और वाकई अभद्रता हो रही है, कार्रवाई बिल्कुल।